क्या आपने कभी सोचा है कि F1 रेसिंग के दौरान 2 सेकंड से भी कम समय में टायर्स को कैसे चेंज किया जाता है? देखिए, F1 रेसिंग कार के टायर्स को हर 100 से 120 किलोमीटर के बाद चेंज करना पड़ता है, क्योंकि इन कार्स को हाई स्पीड परफॉर्मेंस के लिए बनाया जाता है, जिस वजह से इनके टायर्स नॉर्मल टायर्स के मुकाबले जल्दी खत्म हो जाते हैं और इन्हें रेस के दौरान ही 1 से 2 बार चेंज कराना पड़ता है। अब इन टायर्स को चेंज करने के लिए 22 लोगों की प्रोफेशनल टीम को रखा जाता है, जो टायर्स को मात्र 1.5 सेकंड के अंदर चेंज कर देते हैं। जैसे ही कार ट्रैक से आती है, सबसे पहले कार को आगे और पीछे से जैक लगाकर उठाया जाता है, जिसके बाद 2 लोग पकड़ के कार को स्टेबलाइज करते हैं और हर एक टायर को 3 लोग चेंज करते हैं। यानी एक बंदा नया टायर लेके खड़ा रहता है, दूसरा बंदा जल्दी से पुराने टायर के बोल्ट को खोलता है और तीसरा बंदा पुराने टायर को निकाल के नए टायर को इंस्टॉल कर देता है। ये सारा काम सिर्फ 1.5 सेकंड्स में इसीलिए हो पाता है क्योंकि इस कार के व्हील डिजाइन में सिर्फ एक ही बोल्ट इस्तेमाल किया जाता है और इस 2 सेकंड के काम के लिए इनको $1,00,000 से भी ज्यादा मिलते हैं। साथ ही रेस विनिंग बोनस अलग से मिलता है। क्या आप ये जॉब करना चाहोगे? मुझे कॉमेंट करके बताओ।